जैसा कि दोस्तों आप सभी लोग जानते होंगे, आज हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का रिजल्ट आने वाला था। हालांकि दोस्तों कल से ही ये डेट डिक्लेयर कर दी गई थी कि डेट आगे पोस्टपोन कर दी गई है, मतलब आगे बढ़ा दी गई है। तो दोस्तों क्यों बढ़ा दी गई है, उसका रीजन हो सकता है जो हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का डाटा है जो रिजल्ट का, वो अभी सही तरीके से पूर्ण तरीके से अपलोड नहीं हो पाया होगा, इस वजह से डिले कर दिया गया है। और रिजल्ट कब आएगा ये वीडियो में आप करेक्टली जान पाएंगे। सभी लोग जानते होंगे कि जो भी इन्फॉर्मेशन यहाँ दी जाती है बिल्कुल करेक्ट इन्फॉर्मेशन दी जाती है। तो हम दोस्तों यहां पर अब पीस सर्च करेंगे, यूपी बोर्ड ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे, यहां पर हम देखेंगे क्या कोई नोटिस वगैरह यहां पर आया है कि किस डेट को ये रिजल्ट आएगा। यहां हम यूपी बोर्ड रिजल्ट डाला है, हालांकि आप यूपी बोर्ड डालेंगे गूगल पर तो यहां पर आप देखेंगे upmsp.education.in, ये ऑफिशियल वेबसाइट है गवर्नमेंट की, उत्तर प्रदेश की, यहां उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद, इसको हम ओपन करेंगे। बट ये वेबसाइट अभी सही तरीके से पर्टिकुलर वर्क नहीं कर रही है, मतलब ओपन नहीं हो पा रही है, सर्वर एरर आ रहा है। मैं अभी खोल के देख चुका, बार बार आप देख सकते हैं दिस सर्विस इज अनेबल, मतलब इस वेबसाइट में अभी क्योंकि काफी लोगों को ये पता था कि आज रिजल्ट आने वाला है, तो काफी लोग इस वेबसाइट का भी ट्राई कर रहे होंगे कि रिजल्ट देखने के लिए। तो यहाँ पर उस वजह से भी हो सकता है ट्रैफिक की वजह से दिस सर्विस इज अनेबल, क्योंकि ये सर्वर से कनेक्ट नहीं हो पा रही है, इस वजह से ये एरर आ रहा है। हम यहाँ पर सरकारी रिजल्ट ओपन करेंगे और वहां पर देखेंगे कि इसकी डेट जो कल के डेट में ही पोस्टपोन कर दी गई थी। यहाँ जैसे ही आप आएंगे तो यहाँ लिखा यूपी बोर्ड 10th रिजल्ट और 12th रिजल्ट, यहाँ हम इस लिंक को ओपन करेंगे और डेट भी यहां पर दिखाई जा रही है। हालांकि यहां पर देखिए नोटिस वगैरह, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन, यहां पर आप देख सकते हैं कि ये उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर UPMSP डिक्लेयर्ड दिस ईयर 10th हाई स्कूल एग्जाम रिजल्ट विल बी रिलीज ऑन June 2nd वीक। यहाँ पर फर्स्ट वीक था ये, अभी इस वीक में मतलब आज की डेट में आने वाला था 12:30 बजे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी टाइमिंग हो रहा है 1:30 बज रहा है, मतलब अभी रिजल्ट नहीं आया है और रिजल्ट पोस्टपोन कर दिया गया, आगे बढ़ा दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 12:30 दिखाया जा रहा है, एनी स्टूडेंट हु वर रजिस्टर्ड इन UPMSP क्लास 10 2022। यहाँ पर स्पष्ट इस वेबसाइट में भी सरकारी रिजल्ट जो वेबसाइट है, इस वेबसाइट में भी सेकंड वीक दिखा रहा है, हालांकि कल से ही ये सेकंड वीक दिख। नीचे आएंगे यहाँ लिखा है डाउनलोड क्लास 10th रिजल्ट, यहाँ लिखा है लिंक एक्टिवेट June 2nd वीक, क्योंकि अभी इसका लिंक नहीं डाला गया है तो ये सेकंड वीक दिखा रहा है। तो हम वापस से इसको, तो अभी इस पे लिंक नहीं डाली गई है क्योंकि आज के दिन मतलब रिजल्ट दिखना था और ये डेट पोस्टपोन की गई है, बढ़ा दी गई है। तो अभी हम जानेंगे कि इसकी डेट कब रिजल्ट घोषित किया जा सकता है। यहाँ UPCMS से ऑफिशियल वेबसाइट को फिर से हम ओपन करने का प्रयास करते हैं और इन पेजों को हम क्लोज कर देते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर दिस सर्विस इज अनेबल, तो हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी नहीं देख पा रहे हैं कि कब इसका रिजल्ट आएगा। हालांकि सेकंड वीक का मतलब यहाँ 9 तारीख बताई जा रही थी कि 9 तारीख को आएगा, आज के दिन आएगा, तो आज के दिन रिजल्ट नहीं आया, तो इसका कहने का मतलब ये है कि 14 या 16 के बीच में रिजल्ट आ सकता। जैसे आप यहाँ पर यूपी रिजल्ट डालेंगे, आप रिजल्ट कैसे देखना है वो भी मैं बता देता हूँ। यूपी बोर्ड आप रिजल्ट गूगल पर सर्च करेंगे या डिस्क्रिप्शन में हम इसका लिंक दे देंगे जहाँ से आप रिजल्ट देख पाएंगे, इस दिन भी रिजल्ट खुलेगा। आप देख सकते हैं UPResult.NIC.in, इस वेबसाइट को ओपन करना है पर्टिकुलर अपना रिजल्ट देखने के लिए। ये ध्यान रखना, हम डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दे देंगे। UPResult.NIC.in इस वेबसाइट पे जाएंगे, उत्तर प्रदेश रिजल्ट, जैसे ही आप इस वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे उत्तर प्रदेश रिजल्ट आप देख सकते हैं। हालांकि ये पुराना लिंक यहाँ पर शो हो रहा है, नए लिंक क्रिएट नहीं किए गए हैं। अगर नए लिंक क्रिएट कर दिए गए होते तो यहाँ पर आपको लिंक मिल जाता हाई स्कूल एंड 12th का, यहाँ पर 2021 का दिखा रहा है, क्योंकि अभी रिजल्ट डिक्लेयर्ड नहीं किया गया है, इसकी डेट पोस्टपोन की गई है, डेट बढ़ा दी गई है। तो इस वेबसाइट से आपको रिजल्ट देखना है, यूपी बोर्ड का रिजल्ट आपको देखना है, तो इस वेबसाइट के माध्यम से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे यहाँ पर बहुत सारे आर्टिकल आ रहे हैं, तो हम किसी भी न्यूज चैनल को भी ले लेंगे, जैसे आज तक है, तो हम इसके आर्टिकल को पढ़ लेते हैं कि इसमें कौन सी डेट दिखाई जा रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हालांकि ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है कि किस डेट को रिजल्ट घोषित किया जाएगा, बहुत ही जल्द अनाउंसमेंट होगा ऑफिशियल वेबसाइट पर, यहाँ पर अनाउंसमेंट कर दिया जाएगा कि किस डेट को आएगा। तो यहाँ पर हम बता दें कि जो डेट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 47 लाख से ज्यादा स्टूडेंटों को रिजल्ट आएगा। तो यहाँ पर आप नीचे आएंगे और हमें देखना है डेट, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 14 से 16 के बीच में दिन आ सकता है, मतलब सेकंड वीक में है, तो 14 से 16 के बीच में, हमने पहले भी बताया कि 14 से 16 के बीच में हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का रिजल्ट आ सकता है यूपी बोर्ड का। तो दोस्तों ये तो थी दोस्तों आज की वीडियो, आपने ये जाना कि हाई स्कूल का रिजल्ट कब आएगा और कहां से हम रिजल्ट को देख पाएंगे। हालांकि आप ऑफिशियल वेबसाइट के जरिए भी रिजल्ट देख पाएंगे, क्योंकि उस समय ट्रैफिक बहुत होता है और रिजल्ट नहीं देख पाते हैं, तो आपको ऑफिशियल वेबसाइट
चेक कर ट्राई कर लेना है या ऑफिशियल वेबसाइट का, नहीं तो गूगल में आप यूपी बोर्ड रिजल्ट डालेंगे तो आपके सामने सबसे पहला लिंक आएगा uprizult.nic.in। इस वेबसाइट को आप ओपन करेंगे तो बड़ी आसानी से आप अपना रिजल्ट देख पाएंगे। इससे रिलेटेड अगर आपके मन में कोई सवाल है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, हम उसका आंसर जल्द से जल्द देने का प्रयास करेंगे। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा क्योंकि यहाँ मिलता है अपडेट सबसे पहले। मिलते हैं नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग यू। नमस्कार।